अपने गंभीर आर्थिक तंगी हालत से गुजर रहे एचईसी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब रांची सिविल कोर्ट से सब जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने आदेश पर एचईसी का धुरवा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता फ्रीज कर दिया गया। इससे कंपनी की परेशानी और बढ़ गई है। कारण है एचईसी अब इस खाते से कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। 22 लाख रुपए के कारण एचईसी का खाता फ्रीज कर दिया गया, जहां एचईसी अपने पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मजदूर और कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब खाता फ्रीज होने के बाद परेशानी और बढ़ गई है। अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मामला 2017 से 18 का है। दयानंद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो मुजफ्फरनगर यूपी की कंपनी है, उसने एचईसी को कुछ सामानों की आपूर्ति की थी, जिसका राशि बकाया रह गया था और अब उसका बाजार मूल्य लगभग 22 लाख रुपए हो गया है। विवेक ने बताया कि कंपनी ने अदालतों में याचिका दायर की। अदालत से नोटिस मिलने के बाद भी एचईसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने एचईसी का बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया। कंपनी है दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मुजफ्फरनगर यूपी की कंपनी है, इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कंपनी है। उसे कुछ सप्लाई किया था एचईसी को, जिसका पेमेंट ड्यू था। पेमेंट क्लियर नहीं होने के बाद उन्होंने वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ट्राइब्यूनल है वहाँ पर अवार्ड के लिए अप्लीकेशन दिया। अवार्ड हमारे फेवर में, दयाचंद इंजीनियरिंग के फेवर में हो गया। उस अवार्ड के एक्सक्यूजन के लिए हमने रांची सिविल कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट हैं यहाँ पर, सब जज वन का वहाँ पर दाखिल किया था, एक्सक्यूजन केस फाइल किया था। उसका नंबर है 191/2022। उस केस में एचईसी को नोटिस मिलने के बावजूद, पेपर में नोटिस पब्लिश होने के बावजूद वो अपीयर नहीं किए एचईसी, और एक्स पार्टी उनके विरुद्ध आदेश पारित हुआ, जिसमें अभी तक के अमाउंट को रियलाइज करने के लिए उनको उनके अकाउंट को अटैच करने का, फ्रीज करने का आदेश पारित हुआ। इसमें नाजिर सिविल कोर्ट जीशान इकबाल को न्यायालय ने निर्देशित किया कि इस अमाउंट के रियलाइजेशन के लिए इस एचईसी के मेन अकाउंट को अटैच कर दिया जाए। लगभग कितना अमाउंट हो जाएगा? इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी करीब करीब 20-25 लाख के आसपास राउंड अबाउट है। वो तो कैलकुलेशन का मैटर है, वो पर डे एक्रू हो रहा है। जी हाँ, अभी फॉर्मेलिटीज चल रही है, वो इंटीमेट कर दिया गया है। विवेक कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय रांची। इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और हमने 2018 में एचईसी को कुछ माल सप्लाई किया था जिसका पैसा बकाया था, वो ये नहीं दे रहे थे। तो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल में हमने केस डाला, वहाँ ये इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद वहाँ से डिक्री हो गई। डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए हमने यहाँ विवेक कुमार सिंह जी को एडवोकेट नियुक्त किया, और एग्जीक्यूशन के लिए कि पैसा रियलाइज करा लें। तो कोर्ट में यहाँ भी एचईसी पेश नहीं हुई, फिर उसका अखबार में पब्लिकेशन हुआ, और उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया, और नाजिर के साहब के थ्रू अकाउंट सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आर्थिक संकट के कारण एचईसी के प्लांटों में उत्पादन ठप है। अधिकारियों का 27 माह और कर्मियों का 25 माह का वेतन बकाया है। तीनों प्लांटों के सप्लाई कर्मी पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। ये लोग मुख्यालय और एडमिन बिल्डिंग में किसी को प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं।